हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पजामे की स्टिच करेंगे। जो हमने नाइटी की पजामा काटा था उसका स्टिच करेंगे। स्टिच के लिए सबसे पहले हमने ये म्यानी जो काटी है उसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ से ये जो म्यानी के लास्ट होता है वहां से अटैच करेंगे। चौड़ाई जो है नीचे रखते हैं और जो ये चोंच होती है वो ऊपर लेके जाते हैं। तो यहां से जो हम इसको अटैच कर लेते हैं। ये जो है एक ही साइड में दोनों को अलग उसमें इस साइड में जोड़ा है। तो अब अगले इस साइड में इसको जोड़ लेंगे और वैसे ही जोड़ेंगे जैसे उसमें जोड़ा था। चौड़ाई हिस्सा नीचे और बिल्कुल लास्ट से ऐसे अटैच कर। हम जो है इसको भी जोड़ते हैं। हम दूसरा भी ऐसे जोड़ेंगे, ये वाला ऊपर से जोड़ लेते हैं। इसका मोहरी जो है हमारा इसको अपने इस वाले को नाप लें। ऐसे मोहरी को नाप लें दोनों को और यहां से सिलाई लगा लें। जो है इसे सीधा कर लेंगे। इन्हें हमने सीधा कर लिया। देखिए म्यानी की तरफ से ये कितना खुला हो गया, एकदम बढ़िया। आप बैठे उठे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें खींचेगा नहीं, खींच के ये खराब हो जाता है।
30 करके सीधी काट लेंगे। अपने कमर को नाप ले अच्छे से और उसे एक इंची ऐसे रूल टाइट करके तब डाल ले। मेरा 33 इंची कमर है तो मैंने 30 इंची डाला, 3 इंची एकदम फिटिंग का, जैसे ये एकदम फिट हो जाए, लूज ना हो, क्योंकि खींच कर पड़ने के बाद जो है ये लूज हो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने 3 इंची तक माइनस कर लिया। स्टिचिंग की सिल दिया आप लोगों के सामने, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि 3 मीटर कपड़े में मैंने पूरी नाइटी और उसकी पजामे के साथ और जेब वगैरह सब कुछ लगा के दिखाई है। तो प्लीज मेरे दोनों वीडियो को और नाइटी की और पजामे की स्टिचिंग कटिंग दोनों देखिएगा। मैं इसके नाइटी के डिस्क्रिप्शन में मैं पजामे के लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।